Now let's see one more example regarding getchar functions. Again here, initially program inside RAM memory means currently program RAM memory में available है. इस program के अंदर only single variable defined किया जाए, character variable x. Therefore, first of all, जैसे इस statement का execution start हुआ, memory allocation perform करें for variable x only 1 bytes. Initial value of x is garbage. Next one, second case. Here we are calling getchar function. Let's see what is the difference between first getchar or third getchar. Third getchar के case में reading character का ASCII value assign किस में हो रहा है variable x में, लेकिन first case में इसके return value इस first two cases में return value मैंने किसी भी variable में assign नहीं किया है. लेकिन इस केस में फंक्शनलिटी एग्जैक्टली सेम परफॉर्म कर रहे हैं सेम एज प्रीवियस. फर्स्ट स्टेप क्या था, रीडिंग सिंगल कैरेक्टर मूविंग कर्सर ऑन द नेक्स्ट वाइज देन रिटर्निंग ASCII वैल्यू ऑफ गेटिंग रीडिंग कैरेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे getchar फंक्शन कॉल हुआ, इंटरेक्ट किससे हुआ, कीबोर्ड. कीबोर्ड के केस में बात कर रहे हैं कीबोर्ड और वी कैन से एसटीडी इन मींस डायरेक्टली डेटा एवरी टाइम एसटीडी इन से रीड हुआ, लेकिन एसटीडी इन के अंदर डेटा किस प्लेस से आया, फ्रॉम अ कीबोर्ड विद द हेल्प ऑफ DMA controller, direct memory access. Like that, initially cursor buffer कैसा found हो रहा, empty के केस में तब तक wait करें जब तक आप keyboard से कोई value press नहीं करते. Here we are entering something ABCD and your enter key. Then ABCD के respect में assign कर रहा है ASCII value of A 65, 66, 7, 8, 9 and finally null. सॉरी ASCII वैल्यू ऑफ लेस देन. देन इसका वर्किंग क्या, रीडिंग सिंगल बाइट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट बफर एसटीडी इन. आफ्टर दैट रीडिंग सिंगल बाइट इट विल मूव बफर पॉइंटर ऑन द नेक्स्ट बाइट. नाउ पॉइंटर पॉइंटिंग ऑन द सेकंड बाइट. देन इसे रिटर्न क्या हुआ, ASCII वैल्यू ऑफ रीडिंग बाइट व्हिच इज 65 रिप्लेस 65. लेकिन इस केस में 65 किसी वेरिएबल में असाइन किया, इसलिए इसका रिजल्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. देन नथिंग टू प्रोसेसिंग सेकेंड टाइम. जब नेक्स्ट टाइम getchar फंक्शन अगेन कॉल होगा तो सिर्फ डेटा किस प्लेस रीड होगा, फ्रॉम सेम बफर एसटीडी इन. नेक्स्ट टाइम डेटा के रीड हुआ 66. आफ्टर रीडिंग 66 बफर कर्सर विल बी मूव्ड ऑन द नेक्स्ट बार. नाउ कर्सर विल बी पॉइंटिंग थर्ड बाइट्स. नेक्स्ट टाइम जब थर्ड केस में getchar कॉल करें अगेन, सिर्फ डेटा किस प्लेस रीड हुआ, फ्रॉम सेम बफर एसटीडी इन. अगेन रीडिंग सिंगल बाइट फ्रॉम करेंट पोजिशन विच इज 67. 67 रीड होने के जस्ट बाद कर्सर कहाँ सेट हो जाता है, फोर्थ बाइट मीन 68. नाउ असाइनिंग दिस वैल्यू इनसाइड वेरिएबल एक्स 67. उसके जस्ट बाद जब प्रिंट एफ से वैल्यू डिस्प्ले कराएं एक्स का, तो फर्स्ट केस में परसेंट सी के केस में क्या डिस्प्ले हुआ, एक्स का वैल्यू दोनों ही केसेस में क्या डिस्प्ले होगा, 67. फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले हो रहा है, कैरेक्टर वैल्यू विच इज कैपिटल सी. सेकेंड केस में परसेंट सी से डिस्प्ले करा, इसलिए आज के वैल्यू 67. फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसका, C and 67. This is the final result of this program. इससे पहले एंटर क्या किया था स्पेस पर, A B C D E and एंटर की. लेकिन आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है इसके साथ, C and 67.